नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में और मैं हूं आपका अपना दोस्त राज राठौर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी खुद की लिखी हुई अनपब्लिश नॉवल इश्क का रूहानी सफ़र के भाग एपिसोड में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले हर एपिसोड को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, एपिसोड 2 में अब तक आपने सुना है कहानी का नायक देव अपनी डायरी में जिंदगी के लम्हों का जिक्र करते हुए उसकी कॉलेज ख़त्म होने के साथ साथ उसके जीवन में हुए बदलावों का जिक्र करता है। अब आगे। तुमसे मेरी पहली मुलाकात में भला कैसे भुला सकता हूँ, आज भी मेरे जहन में वो तुमसे पहली मुलाकात ज्यों के त्यों ताज़ा है। जब मैंने तुमको पहली बार देखा तो तुम्हें देखकर मेरा दिल धक से रुक सा गया था। कसौली में दिसंबर की गुलाबी सर्दियां थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं एक टक बिना पलके झपकाए तुम्हें देखता ही गया। ये रुई सी बर्फ की वो चारे मुझे किसी गुलों की बारिश सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। ये बर्फ की चादरें ओढ़ के खड़े देवदार और चीड़ के पौधे मानो मुझे चिढ़ा रहे हो और तुम मुझे एकदम किसी जन्नत की परी सी लग रही थी। घुटनों तक फैला लंबा लिबास, कंधों पर बिखरे खुले रेशमी बाल और सिर पर ऊन की काली टोपी तुम्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। तुम्हारी लंबी भौहें और खूबसूरत नीली आंखें और जब तुम हंसती तो बर्फ से सुर्ख हुए तुम्हारे लाल गुलाबी गाल, बर्फीली शाम की खूबसूरती में चार चांद लगा जाते। हाँ, सच पूछो तो मुझे तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये हिमाचल की बर्फीली वादियों की खूबसूरती फीकी लगने लगी थी। और जब मैं तुम मेरे बगल से गुजरी तो तुम्हारी एक भीनी सी महक ने मुझे दीवाना बना दिया। मैं तुमको तब तक देखता रहा जब तक तुम बर्फ की वादियों में कहीं ओझल ना हो गए। पूरी शाम में तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहा, मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है फला फला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे ये क्या हो रहा था। वही बीनी सी महक मुझे अब भी कहीं मेरे आसपास बिखरी हुई सी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, बेशक देखी थी, पर तुम्हें देखकर मुझे जो एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसी फीलिंग मुझे आज तक कभी किसी को देखकर नहीं हुई थी। क्या इसे ही कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट? मैं नहीं जानता था, पर मेरे अंदर कहीं कुछ तो बदल गया था जिसका एहसास मुझे सोने नहीं दे रहा था।